मुसरी घरारी थाना अंतर्गत हरकू तेलौत के पास दिनांक 1/2/2024 को सड़क के किनारे दो व्यक्ति पड़े हुए मिले थे, जिसमें से एक पूर्व रंजीत राय पूर्व जिला परिषद थे और उनके साथ एक उनके दोस्त थे। तत्काल उन लोगों को सदर अस्पताल लाया गया था, जिसमें रंजीत राय की मृत्यु हो गई थी और एक का इलाज चला जो अभी भी इलाजरत हैं। इनका नाम सुनील कुमार था। यह केस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय प्रारंभ में सड़क के किनारे होने के नाते ये बात आई थी कि दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है, लेकिन शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजुरी रंजीत राय के शरीर पर नहीं पाया गया था और न ही सुनील राय के शरीर पर पाया गया था, जिसके कारण मृत्यु हो सकती थी। पुलिस इसको बहुत गहराई से अनुसंधान कर रही थी और हर एक बिंदु को गहराई से देखा जा रहा था। इसी क्रम में उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें भेसरा प्रिजर्व किया गया और चिकित्सक के बोर्ड के द्वारा भी बताया गया कि इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला के FSL टीम के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए FSL रिपोर्ट भी भेजा है, लेकिन पुलिस के पास जो तथ्य मिले थे, उनके शरीर का कपड़ा जो मिला था, उसके आधार पर और उनका पूरी हिस्ट्री के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे कि इन दोनों का शरीर कैसे वहां पर आया। उसमें दोनों का मोबाइल जो है करीब 5:45 के आसपास ऑफ हो जाता है और यह घटना 9:15 और 9:30 के आसपास प्रकाशित होती है। थानाध्यक्ष, वर्तमान थानाध्यक्ष मुसरी घरारी एवं इसके द्वारा जो टीम गठित की गई थी, अजीत प्रसाद सिंह पुलिस ने इंस्पेक्टर एवं अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार वगैरह जो टीम इस पर काम कर रही थी, लगातार काम कर रही थी और हम लोग इस केस को एक चुनौती को लेते हुए और पीओ का रिक्रिएट किए और रिक्रिएट करते हुए हम लोग इसमें अनुसंधान में एक एक बातों को हम लोग शामिल किए कि सबसे पहले इसकी सूचना बॉडी को किसने देखा था। तो बात आई कि एक होटल है, चाय दुकान, वहीं पर एक लड़का जाकर बोला था कि वहां दो आदमी का शव पाया गया पड़ा हुआ है। उसी होटल से चाय दुकान के जो था उसी से लोग गए थे। उस समय बताया नहीं गया था कि इस चाय दुकान से किसने सूचना दिया गया, लेकिन पुलिस पता लगा ली कि वो सूचना देने वाला बगल में एक भुजा दुकान था, वो जटहू राम का सबसे पहला वही दिया था और पुलिस उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। मृतक के पास दो मोबाइल थे, एक मृतक के पास मोबाइल था और एक सुनील राय का। तकनीकी साक्ष्य में पाया गया कि जो सुनील राय के पास मोबाइल था, उस मोबाइल का सिम जो है रंजीत राय के नाम से ही था और दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में चलते थे। पुलिस भी CCTV का मुआयना कर रही थी, लेकिन रात का मुआयना हो रहा था, लेकिन ये घटना आपको 5:30 और 6:00 के बीच की ही है। अभी तथ्य आया, इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इन दोनों के निशानदेही पर वो दोनों मोबाइल बरामद किया गया, जो रंजीत राय का मोबाइल था और जो सुनील राय उपयोग करता था, वो भी दोनों मोबाइल बरामद कर ली गई है। और इन दोनों ने बताया कि जो उनका पर्स था उसमें उन लोगों का आधार कार्ड था, उसमें एक का नाम रंजीत राय लिखा हुआ था और दूसरे का नाम सुनील था। साथ ही इन्होंने उस पोजीशन को बताया कि कैसे ये दोनों पड़े हुए थे उस जगह पर जो ये पड़े हुए थे। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ वोमिटिंग दोनों ने किया था और एक सुई देने वाला निडिल जो होता है वो तो नहीं मिला था, लेकिन सिरिंज मिला था, जिस सिरिंज को और सीम को इन लोग तोड़ करके दोनों रोड पर फेंक दिया था। सिरिंज से क्या लिया गया था ये तो तथ्य नहीं आया, लेकिन प्री हिस्ट्री में पाया गया कि रंजीत राय नशा करते थे
पहले भी नशा केंद्र में भर्ती हुए थे। इस बिंदु पर जब हम लोग इसमें गहराई से गए, अभी तत्काल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हम लोग वहाँ जहाँ दोनों व्यक्ति वोमिटिंग किए थे, इन लोगों के बताए अनुसार वहाँ से हम मिट्टी उठा करके और FSL को भेजने की तैयारी की रही है, किया जा रही है। इस प्रकार जो रंजीत राय का एक सनसनी भरा कांड था, स्पष्ट रूप से उद्भेदन हुआ और मृत्यु किस कारण से हुई है ये FSL रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और इस प्रकार जो हमारी जो टीम है ये करीब 4 महीने के बाद इसको सही रूप से केस का उद्भेदन की और जो संदेह था उसको दूर किया गया।